नमस्कार दोस्तों, 2021 साल इंडिया और इंडियन स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड तोड़ फंडिंग मिली है इंडियन स्टार्टअप को। बहुत सारे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिली है। टोटल जो यूनिकॉर्न बने हैं इंडिया में 2021 में, वो 36 यूनिकॉर्न बने हैं। हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं और यूनिकॉर्न कैसे। जब भी किसी स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है या पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं फंडिंग के लिए। वेंचर कैपिटलिस्ट जब स्टार्टअप को फंडिंग करता है तो स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जेप्टो एक ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी सेटअप कंपनी है जो 2020 में खुली थी। इस कंपनी ने नवम्बर 2021 में नेक्सस वेंचर कैपिटलिस्ट से $60 मिलियन फंडिंग उठाई थी, जिससे जेप्टो का जो टोटल वैल्यूएशन वो $225 मिलियन तक बढ़ गया था। 60 मिलियन फंडिंग उठाने के बाद दोबारा जेप्टो ने $100 मिलियन फंडिंग उठाई 21 दिसंबर को, जिसके बाद जेप्टो का जो टोटल वैल्यूएशन हो गया वो $570 मिलियन हो गया। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जेप्टो को फंडिंग मिलती जा रही है, उसका वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। पहले $225 मिलियन वैल्यूएशन था, फिर $570 मिलियन वैल्यूएशन हो गया। अब अगर वो और ज़्यादा फंडिंग उठाएंगे फ्यूचर में, तो उनका वैल्यूएशन बढ़कर $1 बिलियन या $1 बिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब किसी स्टार्टअप का टोटल वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गई है। तो उसका नाम यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में जुड़ जाता है, इसी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ईयर 2021 में इंडिया ने टोटल 36 यूनिकॉर्न कंपनी ऐड की है, मतलब टोटल 36 ऐसी कंपनी हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इनमें से कुछ जो मेन कंपनी है, जैसे वाइजूस, इनमोबी, ओयो, ड्रीम अलेवन, रेजर पे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अपना स्टार्टअप, उसके बाद जोमैटो, पेटीएम, ऐसी बहुत सारी कंपनी। तो अगर देखा जाए तो 2021 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा फंडिंग ली है, और स्टार्टअप और फाउंडर्स के लिए ये साल सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। इंडिया ने 2021 में 36 नए स्टार्टअप ऐड किए हैं यूनिकॉर्न की लिस्ट में, मतलब 36 ऐसे नए स्टार्टअप बन गए हैं 2021 में इंडिया में, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। अब इंडिया ने यूके को पीछे छोड़कर थर्ड ऐसी कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। नंबर 1 पे है यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना, और नंबर 3 पर है इंडिया। तो अगर हम इसी तरह ग्रो करते रहे तो होपफुली अगले 4-5 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न भी बन सकता है। और ये भी समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा स्टार्टअप बनेंगे, जितना ज़्यादा फंडिंग होगी, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उतना ही ज़्यादा इंडिया का GDP बढ़ेगा, और इंडिया वर्ल्ड मैप में उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आई होप इंडिया ऐसे ही ग्रो करता रहे और आगे 5 सालों में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोवाइडर बन जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। आप नया नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उस वीडियो को रिसर्च करके कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।